आज सुबह आरे फॉरेस्ट 6:06 पर कुछ ऐसा है। कोयल की आवाज आप सुन रहे हैं, यहाँ पानी बह रहा है दूर तक। बादल हैं, बारिश के इम्कानात हैं पूरे पूरे। हे हनुमान वीर बजरंग बली, मैं और ये सभी बच्चे आपके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। बोलेंगे सभी हनुमान जी के चरणों में सविनय, सप्रेम, सश्रद्धा, ससम्मान प्रार्थना कर रहे हैं। हे हनुमान जी, हम सभी की कीड़ों से, सांपों से, जंगली जानवरों से, चोट से, घटनाओं से, दुर्घटनाओं से रक्षा करते हुए पूर्ण सुरक्षा प्रदान करें। हम जिस ट्रेनिंग के लिए यहाँ आए हैं उसमें अच्छी तरीके से सीखते हुए हम सुरक्षित अपने अपने घर पहुँचें और समाज का हित करने के लिए हमेशा आगे रहें। बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब गुरुवन की, बोलो हमारे माता पिता की, हमारे स्कूल कॉलेज के गुरुओं की, हमारे मिलिट्री वालों की, पुलिस वालों की, और माँ प्रकृति की जय। माँ प्रकृति की राइट लेफ्ट राइट हो, कौन करेगा? लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट हे हो हे हो हे हो हे हो हे हो पोजीशन 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 One two. Stretch. Stretch. Right. Left. Hunkar bhar. Hunkar bhar. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Wo haiya wo haiya wala. Wo haiya wo haiya wala. वो हैया वो हैया वाला, वो हैया वो हैया वाला। लाइन को भेजूंगा, एक एक लाइन को। लाइन यहाँ कर आएगी, बैठकर पानी पियेंगे, खड़े होकर पानी नहीं पियेंगे, कोई शक? आप सबके बैग्स आ गए, उधर देखो बैग्स आ गए। अनुशासन का क्या महत्व है आपके जीवन में, बताइए। अनुशासन क्या चीज होती है? हाँ, अनुशासन क्या होता है? डिसिप्लिन क्या होता है? उसका महत्व क्या है आपके जीवन में, बताइए। अनुशासन का क्या महत्व है लड़कियां, क्या महत्व है आपके जीवन में, अर्थात डिसिप्लिन? व्हाट इज द इफेक्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिसिप्लिन इन योर लाइफ? व्हाट इज डिसिप्लिन? अच्छी आदत तो ठीक है, बट व्हाट इज डिसिप्लिन? अनुशासन क्या है? वो अनुशासन क्या है? अनुशासन है समय पर काम को करना, समय के महत्व को समझना, वो अनुशासन है। अगर सूरज और ये मौसम अनुशासित नहीं होते तो हम मर चुके होते, है ना? तो हमारे अंदर, बोले, हमारे अंदर आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, अर्थात हम सबसे शक्तिशाली ईश्वर की रचना है।